हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मौसम सिन्हा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आपकी स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, ये सब काम आपको एक साथ करने होंगे। स्पीकिंग भी करनी होगी, राइटिंग भी करनी होगी, लिसनिंग भी करनी होगी, और बाई वे ऑफ लिसनिंग, बाई वे ऑफ राइटिंग, बाई वे ऑफ रीडिंग एंड बाई वे ऑफ स्पीकिंग यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। पॉइंट आता है, सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? हालांकि ये सभी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है लिसनिंग। आज हम आपको बताना चाहते हैं लिसनिंग के बारे में, और लिसनिंग खासतौर पर जब आपको इंग्लिश इम्प्रूव करना हो। इफ यू वॉन्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश, यू मस्ट बी ए गुड लिसनर। आप एक अच्छे लिसनर होना चाहिए। और अच्छी लिसनिंग का मतलब क्या है? अच्छी लिसनिंग का मतलब ऑब्जर्विंग भी है। जब आप किसी व्यक्ति को ऑब्जर्व करते हैं, उसको सुनते हैं, उसको समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति क्या कह रहा है, तब सही मायने में लिसनिंग होती है। केवल शब्दों को जान लेना, कोई व्यक्ति क्या कह रहा है उसको हमने समझ लिया, जान लिया, ये लिसनिंग नहीं है। लिसनिंग का मतलब ये है कि आप शब्दों को जाने ही नहीं, बल्कि शब्दों से क्या अर्थ निकल पा रहा है उसको भी देखें, और व्यक्ति किस अंदाज में अपनी बात को रख रहा है, किस इंटेंशन के साथ अपनी बात को रख रहा है, उसको भी फोकस करें, उसको भी समझें, तब ये जाकर लिसनिंग होती है। लिसनिंग में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप किसी को सुनते हैं तो आप सारा कंसंट्रेशन उस व्यक्ति के ऊपर रखें, देखें वो किस तरीके से अपनी बात को रख रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द वो बात नहीं कहते जो भाव कह देते हैं, तो आपको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। और ऑब्जर्वेंस का मतलब यही है कि शब्द ही नहीं बल्कि बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा, टोन, ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। आप एक अच्छे लिसनर जब भी हो सकते हैं जब आप अपना सारा माइंड, जब आपसे कोई बात करता है तो उसके ऊपर लगा दें, उसकी बात को ध्यान दें, उसकी बात को समझें, उसकी बात को जानें, तब आप एक अच्छे लिसनर हो सकते हैं। और यदि आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली जो वो बोल रहा है, whatever that person is saying, that will come to your head, वो आपके head में आ जाएगा, and उससे आप कुछ ना कुछ याद रख पाएंगे। अगर 10 बातें कही हैं तो probably you will remember 4 things said by him, और वो आपको कहीं ना कहीं advantages होगा किसी भी language को learn करने के लिए। बहुत सारे videos आप YouTube पे download करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। You can watch my videos on different segments. I've posted various videos in English over there. You listen to them. मैंने सोचा कि आपको ये बात हिंदी में समझाई जाए, क्योंकि आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप कैसे comfort zone में आ सकते हैं। और खासतौर पे मैं उन लोगों से ये बात कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा weak हैं English में, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं English में। तो उनको पहले मुझे अपनी बात में सोचा कि हिंदी में कन्वे की जाए, इसलिए मैं अपनी बात को आपके सामने रखता हूँ। आपके लिए मेरा पहला लेसन यही है कि आप लिसनिंग अव्वल दर्जे की रखें, ज़्यादा से ज़्यादा सुने। जब लोग इंग्लिश में बोलते हैं तो उनको सुने, और तब आप डेफिनेटली एक स्टेप पार कर पाएंगे। तो ये था मेरा वीडियो लिसनिंग के ऊपर।